नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। पिछले ही लेक्चर में हमने कॉन्टीन्यूटी को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करके उस पर कुछ थ्योरम्स को भी देखते हैं। अ फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट अ पॉइंट जेड नॉट इफ़ ऑल दीज थ्री फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला क्या है, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड एग्जिस्ट करना चाहिए। भाई, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात होगी नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन से उस पॉइंट को अप्रोच किया जाता है, तो इसीलिए दो डायरेक्शन तो है नहीं, तो लिमिट ही एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी एग्जिस्ट करना चाहिए। और जो लिमिट एग्जिस्ट किया और जो फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट किया, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर हम फाइनली बात करें तो सिंपल सा बात है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, वह लिमिट जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो और लिमिट दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम कह देंगे कि फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूअस है उस पॉइंट जेड नोट पे। अब उसी का एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कॉन्टीन्यूटी का क्या होगा, तो वही जो लिमिट का होता है, बट यहाँ पे जो लिमिट होता था वो डब्लू नोट होता था, और यहाँ पे डब्लू नोट बराबर एफ ऑफ जेड नोट हो जाएगा। तो मतलब फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपका बिल्कुल क्लियर है ना। लिमिट जो होना चाहिए वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट के बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। अब यहाँ पे है, अ कंपोजिशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज इट सेल्फ कॉन्टीन्यूअस। मतलब अगर दो फंक्शन है तो दो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा वो भी कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम आपको एक आउटलाइन दे देते हैं प्रूफ का, और कोई भी बुक है उसमें एक प्रॉपर तरीके से प्रूफ किया होगा, लेकिन वही काम किया होगा जो हम यहाँ पे करेंगे। और एक परफेक्ट इंट्यूशन, आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी प्रूफ को, मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे कहता है कंपोजिशन ऑफ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज इट सेल्फ कॉन्टीन्यूअस। तो मान लेते हैं कि एफ इज कॉन्टीन्यूअस एट जेड नोट, ठीक है। तो एफ अगर कॉन्टीन्यूअस है जेड नोट पे, तो सर्टेनली मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन या लेस देन गामा, कुछ भी एक ले लेते हैं, व्हेनेवर मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा होगा। एंड जी बी द फंक्शन कॉन्टीन्यूअस एट एफ ऑफ जेड नॉट, और मान लेते हैं कि g जो है हमारा फंक्शन है जो कि कॉन्टीन्यूअस है f ऑफ z नॉट पे। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं w, g कंपोजिशन f, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना है g कंपोजिशन f। हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये जो g कंपोजिशन f है, ये फंक्शन भी आपका कॉन्टीन्यूअस होगा, ठीक है। जी कंपोजिशन एफ भी जो फंक्शन है, वो फंक्शन भी आपका कॉन्टीन्यूअस होगा, किस पे, जेड नॉट पे, ठीक है। तो एफ आपका कॉन्टीन्यूअस है, जी आपका कॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम डब्ल्यू के लिए बात करेंगे। तो कॉन्टीन्यूटी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो मॉडुलस ऑफ जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड माइनस जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड माइनस जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड नॉट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंपोजिशन का मतलब यही होता है, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर यहाँ पे देखिए जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड माइनस जी कंपोजिशन एफ ऑफ जेड नॉट है, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट सम गामा ग्रेटर देन जीरो सच डैट दिस इज गोइंग टू हैपन। और क्योंकि सिंस एफ ऑफ जेड इज कॉन्टीन्यूअस एट जेड नॉट, देयर फोर क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन गामा व्हेनेवर जीरो लेस देन मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जा रहा है, क्योंकि एफ कॉन्टीन्यूअस है तो इसीलिए
जेड नॉट का जो आपका नेबरहुड है वो डेल्टा है, तो इसीलिए हम यहाँ से ये चीज़ कह सकते हैं कि अगर मॉडुलस ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस जी ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन है, देन देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल नेबरहुड डेल्टा सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि जी कंपोजिशन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस होगा जेड नॉट पे। अब अगर हम इसका फिगर बनाना चाहें तो देखिए, अगर हम एक्स वाई पे बात करें, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर हम लोग अगर बात करें तो ये जो है डेल्टा नेबरहुड हो जाएगा किसका, जेड का। ये अगर जेड नॉट है, ये जेड है, तो जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा। फिर अगर हम यू वी कोऑर्डिनेट का बात करें, ये हम बना रहे हैं किसके लिए, जी के, एफ के लिए। तो अगर मान लीजिए यू वी कोऑर्डिनेट हम बनाते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर आपका एफ ऑफ जेड नॉट है और यहाँ पे एफ ऑफ जेड है और ये क्या है, गामा है, ये यू वी कोऑर्डिनेट हो गया। और ये डब्ल्यू के लिए कैपिटल यू कैपिटल वी अगर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, कैपिटल यू कैपिटल वी कोऑर्डिनेट, तो सर्टेनली एक एप्साइलन नेबरहुड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, एप्साइलन नेबरहुड जो कि आपका जी ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट, ठीक है। और अगर हम इधर बात करें तो जी ऑफ एफ ऑफ जेड, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस जो है वो भी आपका कॉन्टिन्यूस है, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब अगर हम बात करते हैं जो सेकेंड थ्योरम है उसको प्रूफ करने के लिए क्या काम करना होगा, देखिए ये थ्योरम्स आपको याद रहने चाहिए क्योंकि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ ट्रू वाले में ये काफ़ी काम का होता है, जब मोर देन वन ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होते हैं तो ये सारे थ्योरम्स आपके जहन में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरा, इसका भी मैं एक इंट्यूशन दे देता हूँ कि कैसे आखिर ये होता है। इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ कॉन्टिन्यूस एंड नॉन जीरो एट अ पॉइंट जेड नॉट, मतलब आपका एफ ऑफ जेड जो है ये कॉन्टिन्यूस है एंड एफ ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तब कहता है देन एफ ऑफ जेड इज नॉट इक्वल्स टू जीरो सम नेबरहुड ऑफ डैट पॉइंट, तब कहता है कि एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा उसके हर एक नेबरहुड पे, जेड नॉट के हर एक नेबरहुड पे एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। मतलब अगर हम बात करें जेड माइनस जेड नॉट लेस देन डेल्टा का, तो इस नेबरहुड के अंदर एफ ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये हमें शो करना है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है, फॉर एफ ऑफ जेड टू बी कॉन्टिन्यूस देयर फॉर इच एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डैट, तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ जेड नॉट नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो एप्सिलॉन हम ले लेते हैं एफ ऑफ जेड नॉट बट्टे दो, हम एप्सिलॉन कुछ भी चूज कर सकते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन देयर मस्ट एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो फॉर इंस्टेंस हम एप्सिलॉन ले लिए एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट, ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए क्योंकि एफ ऑफ जेड कॉन्टिन्यूस है, लेकिन फॉर इंस्टेंस हमने क्या किया है कि एप्सिलॉन हम कोई भी रियल ले सकते हैं, तो एप्सिलॉन हमने चूज कर लिया एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू, तो एप्सिलॉन के जगह पे अब यहाँ पे एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू रख दीजिए। अब जैसे ही एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू रखे तो ये जो आपका इनइक्वेलिटी है, इसको थोड़ा ठीक से मैं लिख देता हूँ, मतलब ये लेस देन एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू हो गया, ये इनइक्वेलिटी ही कहता है कि इस नेबरहुड के अंदर एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल या फिर फॉर इंस्टेंस अगर हम एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो ले लिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो लेने के बाद यहाँ से आ जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एप्सिलॉन हमने मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू लिया क्योंकि एप्सिलॉन एनी रियल नंबर है, तो अब यहाँ से मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन हो जाएगा मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड नॉट बाई टू, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि इसके मॉडुलस को टू से डिवाइड कर देंगे तो ये ग्रेटर कैसे होगा इससे, तो इसीलिए ये क्यों ऐसा आया, क्योंकि हमने एफ ऑफ जेड को जीरो लिया था, हेंस
f of z is not equals to zero in this neighborhood. मतलब ये कि अगर f of z आपका continuous function है और non zero है z not पे, तो f of z भी जो होगा वो non zero होगा z not के हर एक neighborhood पे. और यहीं पे हमने कैसे प्रूफ किया, f of z continuous था, f of z not non zero था. क्योंकि f of z continuous है तो for each epsilon greater than zero के लिए, हर एक real epsilon greater than zero के लिए एक delta greater than zero exist करना चाहिए. तो in particular हमने epsilon is equals to modulus of f of z not up by 2 ले लिया, क्योंकि f of z not non zero है. तो जब यहाँ पे epsilon का value रखा और जब f of z को zero किया तो ये चीज आ गया जो कि contradiction है. इसीलिए इस नेबरहुड के अंदर f of z not equals to zero होगा. तो ये भी आपका प्रूफ हो गया परफेक्ट इंट्यूशन के साथ. अब जो तीसरा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये सारे स्टेटमेंट आपको काम आएंगे, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ. अगर आप नेट JRF वगैरह का भी प्रिपरेशन या TIFR का भी करते हैं तो सारे स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए, जहन में रहने चाहिए. इसीलिए मैं एक आउटलाइन दे रहा हूँ प्रूफ का. बाकी आपके पास बुक्स हैं, पन्नू सैमी हैं या फिर ब्राउन एंड चर्चिल है या फिर और भी जो इंडियन राइटर्स हैं, उसमें भी आपको इस सारे थ्योरम्स का प्रूफ मिलेगा. आप एक प्रॉपर तरीके से उसमें भी देख लीजिए और खुद से एक बार कर लीजिए. फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करें. इफ़ ए फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस थ्रू अ रीजन आर डैट इज बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड. फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूस है रीजन आर के अंदर और रीजन आर जो है क्लोज्ड भी है और बाउंडेड भी है. तो भाई जब वह रीजन आर क्लोज्ड एंड बाउंडेड है और उसके अंदर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तब कहता है कि एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि मॉड f ऑफ z लेस देन m हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू m. तो ये बात सही ही है क्योंकि फंक्शन जो है वो एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड रीजन के अंदर है. तो उस केस में मॉडुलस ऑफ f ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ f ऑफ z क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ u x y का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा, एंड प्लस वी एक्स वाई का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना. एफ ऑफ जेड क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी, तो यू का स्क्वायर प्लस वी का स्क्वायर हो जाएगा. तो सर्टेनली ये कोई ना कोई तो रियल नंबर होगा और वो जो रियल नंबर होगा तो वो एम एफ ऑफ जेड, कम से कम एक रियल नंबर होगा ही, एटलीस्ट वन रियल नंबर सच डैट मॉडुलस ऑफ एफ ओ जेड इज इक्वल टू एम. और क्योंकि मॉडुलस ऑफ एफ ओ जेड इज इक्वल टू एम होगा और एम से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर ले लीजिए तो उससे तो छोटा ही होगा ना, इसीलिए मॉडुलस ऑफ एफ ओ जेड लेस देन और इक्वल टू एम लिखा है. तो कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड ये तीनों थ्योरम आपके जहन में होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द हमारी कोशिश है एनालिटिक फंक्शन पे आने की. तो पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए. बहुत बहुत धन्यवाद.